नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान के नेता इब्राहिम खान को कौन सी उपाधि दी थी? जी हाँ, तो वो होगा फात जंग। चलिए आगे रहते हैं, ब्रिटिश के विरुद्ध उराव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, उराव विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेनानायक ने किया था? जी हाँ, तो उसका आंसर होगा विल्किंसन। क्योंकि उस समय SWFA जो एजेंसी बना था, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उसके ये हेड थे विल्किंसन। चलिए आगे देखते हैं, बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर कब आक्रमण की थी? जी हाँ, 1641-1642 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी यानी SWFA का गठन हुआ था? जी हाँ, कोल विद्रोह, जो 1831-32 में हुआ था कोल विद्रोह, उसी के परिणाम स्वरूप SWFA यानी साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन हुआ था, जिसके हेड थे ये विल्किंसन साहब। चलिए आगे देखते हैं, जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो देखिए, आदिवासी महासभा बना कब? 1938 में, ठीक है, लेकिन उसके अध्यक्ष जो बने जयपाल सिंह मुंडा, वो 1939 में बने थे। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि 1938 में जब आदिवासी महासभा का गठन हुआ था, उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो होगा थियोडोरिन सुरेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, सहस्त्र बुद्ध यानी कि काटेश्वर नाथ कहाँ पे स्थित है? जी हाँ, चतरा। लेकिन यही अगर आपको पूछे कि तंगीनाथ कहाँ पे उपलब्ध है, तंगीनाथ, तो तंगीनाथ धाम जो है ये आपको गुमला में पड़ता है। आगे देखिए, झारखंड का पहला हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट कौन है और किस स्थान पर है? तो वो तिलैया होगा और 1953 में हुआ था उसका उद्घाटन। चलिए आगे रहते हैं, विनोदानंद की सरकार में जयपाल सिंह को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? अच्छा देखिए, आपको पता है कि जयपाल सिंह मुंडा जो थे वो 1963 में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिए थे और उसको जो विभाग मिला था, मंत्री मिला था, वो मिला था सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? जी हाँ देखिए, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन जो हुआ था वो 1967 में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, 1968 में झारखंड हुल पार्टी बनी, उसी से निकल करके अलग होकर के, और 1969 में झारखंड पार्टी बनी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से अलग होकर झारखंड पार्टी का नेतृत्व किसने किया? जी हाँ, एनी होरो ने। किस मिशन ने 1898 ईस्वी में अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला था? जी हाँ, SPG मिशन। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1992 में किस नेता ने झारखंड में झारखंड के बारे में यह कहा था कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा? जी हाँ, तो लालू जी ने कहा था, लालू प्रसाद यादव ने। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी कि जैक का गठन कब हुआ था? जी हाँ, वो 9 अगस्त 1995 को हुआ था, जिसमें उपाध्यक्ष थे सूरज मंडल और अध्यक्ष थे आपके गुरु जी यानी कि शिबू सोरेन। झारखंड की धरती पर जी हाँ 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जी हाँ, 53rd जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो रामगढ़ में हुआ था और उसके प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आजाद। चलिए आगे देखते हैं, रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? जी हाँ, बिरसा मुंडा। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? जी हाँ, मयूराक्षी नदी। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था? जी हाँ, तो ये होगा सुभाष चंद्र बोस।
चलिए आगे बढ़ेंगे। होली किस दिन मनाई जाती है? जी हाँ, तो होली मनाई जाती है फागुन महीने के पूर्णिमा को। जी, संपूर्ण किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? जी हाँ, यदुवंश सहाय। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एसएन हल्दर एवं ब्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की? 1920 में। आपको एक बार और बता दें कि 1938 में अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हाँ टाटा वर्कर एसोसिएशन बनाया था 1930। आगे बढ़ते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ था? 1929 आई थिंक, ये गलत है। जी हाँ, ये 1928 होना चाहिए क्योंकि 1928 में हुआ था झरिया में, और 1929 में जी हाँ जहाँ पे इसमें AITUC में स्प्लिट हो गया था वो हुआ था आपको नागपुर में। जी हाँ, ये आपको नागपुर में हुआ था, और नागपुर में जो प्रेसिडेंट थे वो थे नेहरू जी, और 1928 में ये फैसला लिया गया था कि 1929 में जो नागपुर में सेशन होगा उसके प्रेसिडेंट होंगे नेहरू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था? तो जी हाँ, जब डायमंड जुबली था उनका, ब्रिटेन की महारानी का, एलिजाबेथ का, विक्टोरिया का, तब उनको रिलीज किया गया था, और वो डेट था 30 नवंबर 1897। ये वही बताया गया। देखिए, बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1899 को अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कहाँ पे लिया गया? जी हाँ, डुम्बारी पहाड़ी पर। आगे देखते हैं, कुडुख जो है उराव के किस भाषा परिवार की भाषा है? जी हाँ, द्रविड़। बिरसा मुंडा ने किसी अपने आंदोलन को धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था? सोमा मुंडा। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? जी हाँ, गुमला। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्तिक उराव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद कार्तिक उराव 1968 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, विनोद बिहारी महतो ने। तो शिवाजी समाज की स्थापना की थी विनोद बिहारी महतो ने, और उसी को लेकर के शिबू सोरेन ने, ये देखिए दिया हुआ है, शिबू सोरेन ने संतोल संताल समाज की स्थापना की थी 1970 में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? जलगोड़ा में। ये जलगोड़ा धनबाद में है। जी हाँ, देश की कुल राजधानी। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम क्या था? आदिवासी महासभा। जी हाँ, 1938 में गठित हुआ था ये, और इसके पहले अध्यक्ष थे थियोडोरिन सुरीन, और 1939 में जयपाल सिंह मुंडा इसके अध्यक्ष बन गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोकसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब पारित किया गया था? जी हाँ, तो लोकसभा 2 अगस्त को पार किया था, राज्यसभा 11 अगस्त को किया था, और प्रेसिडेंट आर के नारायण ने 25 अगस्त को पारित किया था। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए, राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब पारित किया गया? 11 अगस्त को। ये राष्ट्रपति आर के नारायण द्वारा 2000 को किया गया था, और झारखंड के पहले अंतर जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज, जी हाँ, जो 1915 में हुआ था, ये कब कौन किया था? तो जी हाँ, उसके संस्थापक थे जुएल लकड़ा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस करके हमसे जुड़ जाइए, और बेल प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो से आप अछूते ना रहें, और वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।